ये सारी पावर सप्लाईज की आईसी हैं। अच्छा आईसी है, हाँ देख सकते हो माल आपका पहुंचेगा इधर, मतलब दिल्ली में वो कहीं पे भी भेजते हैं तो दिल्ली यहीं में आ आप रहा कहीं भी देते हैं सप्लाई तो पहुंचेगी आपके पास इधर ही, अगर आप दिल्ली के हैं लोकली। अच्छा भैया, अगर कोई कस्टमर या कोई डीलर्स जो है, अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए रिपेयरिंग में, तो आप क्या सपोर्ट दे सकते हो? कोई प्रॉब्लम हो तो पता कैसे चलेगा कि पावर सप्लाई का ही प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ का प्रॉब्लम कुछ? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो काफी ज्यादा बड़ी, क्योंकि गाइस आज मैं जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप लोगों को कुछ नॉलेज मिलने वाला है और कुछ समझने को मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ और आप लोगों को बता क्या होने वाला है वीडियो में। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे पास PS3, PS4, Xbox इन सब का काम होता है, सेल परचेज का काम होता है, ठीक है। तो कभी कभी प्रॉब्लम आता है, किसी रिपेयरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, किसी चीज का प्रॉब्लम आता है, तो हम रिपेयरिंग के लिए जाते हैं। तो एक ऐसी दुकान दिखाने वाला हूँ आप लोग को जो आपको दिल्ली में अच्छे से और अच्छे प्राइस में आप लोग को रिपेयर करके देंगे, और जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ ठीक करके देंगे। कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो जरूर से जरूर बताएंगे कि वो ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप लोग दूर बैठे हो तो आपका कुछ सपोर्ट हो पाएगा या नहीं, आपको कुछ हेल्प मिल पाएगा या नहीं, वो सब कुछ इसी वीडियो में मालूम चलने वाला है कि क्या है क्या नहीं है। तो चलो हम चलते हैं अपना सप्लाई लेकर के, ताकि आपको भी दिखा सकें कि रिपेयर होता है या नहीं होता। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है बहुत दिन हो चुके हैं, करीब 1-1.5 साल पहले मैं गया था उनके पास, तो इस बार दोबारा से चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हाल है विक्रम भैया की दुकान का और कैसे है, कैसे नहीं है, कैसे जाना है, एड्रेस क्या है, सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। चलिए चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देख सकते हो ये रहा बोर्ड, यहाँ पे आपको नीचे जाना है, ये दुकान है, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं और भैया से बात करते हैं, ठीक है। तो और भैया ठीक हो? और विशाल क्या चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। ये क्या आपने पूरा सर्विस सेंटर बना दिया इसको? तो कंप्लीट सर्विस सेंटर बना दिया मैंने, लग भी रहा है। हाँ तो मतलब क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे? कंप्लीट अपने गेमिंग का तो पूरा ही होता है, और लोकल लोगों के लिए LED टीवी का भी पूरा इधर बना दिया। अच्छा लोकल लोगों के लिए, मतलब गेमिंग का आप जो हम आज वीडियो बनाएंगे, पहले तो ये मेरा रखिए आप, इसको ठीक करना है, प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है। तो आप ये बताइए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं पावर सप्लाई? तेरे को पता ही हमारे पास यहाँ पूरी होती है। हाँ मार्केट का टोटल डीलर अपने पास ही कनेक्ट है। हाँ मतलब जैसा कि मुझे पता है कि सारे जितने भी दुकानदार वगैरह हैं दिल्ली में वो यहीं पे आते हैं, जैसे कि आप, मैं 1 साल पहले ही मैंने बताया था अपने व्यूवर्स को, तो आज फिर से आया हुआ हूँ, तो बताइए आपने बारे में कुछ। बस अब यहाँ पे कंप्लीट सर्विस सेंटर कर दिया है। और तो मतलब आपके सर्विस सेंटर में होता क्या क्या काम है? गेमिंग का रिलेटेड तेरे को मालूम है मेरे पास सारा काम ही होता है। हाँ हाँ ए टू लेके जेड तक, ठीक है ना। लेकिन मेन जो अब गेमिंग पूरा फोकस है, किसी भी टाइप की सप्लाई, कोई से भी कंसोल की, PS5, PS4, PS3, Xbox, सबका बढ़िया तरीके से काम होता है। तो भैया जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारी यहाँ पे हाईटेक मशीनें हैं आपके पास, तो ये सारी क्या रिपेयरिंग में ही होती है? हाँ ये रिपेयरिंग में यूज होती हैं। और ये स्कोप है, ये अलग से सप्लाई है, ठीक है ना। तो हमारा तरीका सबसे अलग है रिपेयरिंग में, रिपेयरिंग का अलग तरीका है, सबसे अलग तरीका है। हाँ हाँ सबसे बेस्ट तरीका है हमारा। अच्छा तो आप अगर जैसे किसी का पावर सप्लाई आता है तो किसका डील करते हो आप? कस्टमर्स का डील करते हो या किसी? मेरा मेन डीलर्स का ही काम है। हाँ हाँ डीलर्स ही मेरे पास ज्वाइन है सारे के सारे, आपको पता ही है सारे ऑल इंडिया से मेरे पास ही आते हैं कस्टमर। हाँ हाँ बंगाल से, आसाम से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, इधर के कस्टमर्स, मतलब जो मेन डीलर्स ही आते हैं। तो आप कहीं भी किसी को देंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहुंचेगा इधर ही माल आपका, पहुंचेगा इधर, मतलब दिल्ली में वो कहीं पे भी भेजते हैं तो दिल्ली में आप कहीं भी देते हैं सप्लाई तो पहुंचेगी आपके पास इधर ही, अगर आप दिल्ली के हैं लोकली। अच्छा और ये बताओ भैया, जैसे कि मान लो कोई कस्टमर अपना खुद भिजवाना चाहे तो उसके लिए रिपेयर करोगे या नहीं करोगे या क्या प्रोसीजर है उसका? देखिए कस्टमर को मैं मेन प्रेफर नहीं करता अटेंड करना, मेरे पास डीलर्स का काम इतना ज़्यादा है तो मेरे को टाइम उतना मिल नहीं पाता। हाँ हाँ फिर भी कोई भी कस्टमर आना चाहे तो वेलकम है मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ मतलब वो ये ना कि कस्टमर वो चिक चिक ज़्यादा करते हैं कि ये है वो है ऐसा है वैसा है, तो डीलर्स वो देख लेते हैं, अपने को इतनी दिक्कत हाँ, नहीं है, मेरा अपने डीलर से बंदा बंदा है सारा काम। हाँ 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 तो डीलर्स के करते हैं। अच्छा तो मतलब कोई अगर भेजना चाहे तो क्या कैसे कुछ प्रोसीजर है? खुद ही आना पड़ेगा उनको, आप लोकेशन डाल देना इसके अंदर और वो लोकेशन से खुद आ सकते हैं तो आ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। और पावर सप्लाई किस किस टाइप का होता है कुछ दिखाओगे मतलब लोगों को पता चले? ये देखिए ये PS4 फैट की है ये। हाँ हाँ ठीक है ना, ये स्लिम की है और
कि ये अपनी प्रो की है, PS4 प्रो की है। हाँ, ये प्रो की है। अब प्लेस्टेशन के अलावा Xbox वगैरह का काम होता है? किसी का भी। आप रिमोट कोई से भी ले आइए, मतलब कंट्रोलर आप कोई से भी ले आइए। तो गेमिंग का आपको पता ही है, मेरा सारा काम है, कमर्शियल गेम का भी अपना काम है ही, लेकिन मेन फोकस आजकल इस पे कर रखा है। नहीं, आपका काम तो पावर सप्लाई पे है। हाँ। तो प्लेस्टेशन 4 आपने बताया, तो उसका बोर्ड पे भी काम करते हैं? ऐसे बोर्ड पे भी काम करते हो आप? PS4 के कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूरा काम हो जाता है, दिक्कत पूरा काम हो जाता है। PS3 भी हो जाएगा, PS4 भी, और जो कंट्रोलर बताया तो कंट्रोलर तो हो जाएगा, कंट्रोलर हो जाएंगे आपके। मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम हो तो आपके पास भेजा जाए कुछ प्रॉब्लम्स, जैसा कि कुछ मेन प्रॉब्लम है तो हाँ यहाँ दिक्कत है। कस्टमर आएगा, अपने आप काम कराएगा तो पता चलेगा उसे। अच्छा, वो देखने के ऊपर होता है ना। हाँ। ऐसा कुछ है भैया, अगर कोई कस्टमर या कोई डीलर्स जो है, अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए रिपेयरिंग में, तो आप क्या सपोर्ट दे सकते हो? अगर वो सीखने में सीखना चाहता है या सिखाया कुछ सप्लाई का काम जानता है, ठीक है ना, आपको पता ही है इसकी कोई भी पार्ट्स आपको इंडिया अवेलेबल नहीं मिलते, इंडिया में नहीं मिलता। हाँ। कोई अवेलेबल नहीं यहाँ पे। हाँ। तो हमें सब चाइना से मंगाने पड़ते हैं। अपने पास पूरा सपोर्ट सिस्टम है, हर IC है। हाँ। जिसको जो चाहिए हो वो ऑर्डर कर सकता है, उसको मिल जाएगी वो IC। अगर आप ICR MOSFET सप्लाई का तकरीबन सामान 99% सामान हमारे पास सारा अवेलेबल है। अगर बंदा खुद भी रिपेयर करना चाहता है, उसे कहता है मुझे ये वाली IC दे दो, ये वाले MOSFET दे दो, जो भी चाहिए हो तो हम प्रोवाइड करा दो। अरे तो भैया कुछ दिखा दो आप, ये सब है क्या क्या चीज़ें हैं ये सब? ये सारी पावर सप्लाईज की IC हैं। अच्छा, IC हैं। हाँ, ये देखते हैं सारे, मतलब रिपेयरिंग में काम आते हैं। मतलब कोई अगर बंदा वहाँ से मंगाना चाहे अपने पास, तो आप भेज? हाँ, मेरे पास रीजनेबल रेट में। हाँ हाँ, आप यहाँ से मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। अगर खुद रिपेयर करने में अगर बंदा सक्षम है और उसको सामान नहीं मिल रहा, तो सामान की मैं उसकी पूरी सपोर्ट कर सकता हूं, सामान भी पहुंचा सकता हूं, क्योंकि एक छोटे-मोटे सामान तो अब मिलेगा नहीं ना, अगर वो कहीं और से मंगाएगा भी तो मिलेगा नहीं, मिलना तो आपके पास मिल जाएगा। हाँ। है ना, ये चीज, क्योंकि ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, ये लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। हां हां, वहां से कोई 2-4 हज़ार का माल तो आता नहीं है। हां हां, सही। अगर आप मंगवाओगे तो आपको इतना कॉस्टली पड़ जाएगा कि आपकी ऊपर से निकल जाएगा। ये चीज तो है, तो मतलब आप उनको सपोर्ट कर दोगे इस चीज में? इस चीज की पूरी सपोर्ट मिल जाएगी। कोई भी डीलर उनको ICs चाहिए हो किसी भी चीज की, पावर सप्लाई की, तो हमारे पास तकरीबन 99% है पूरा माल। पावर सप्लाई का भी है या और भी किसी चीज का, ऐसे और बोर्ड वगैरह में काम हो, कुछ भी चाहिए हो गेम रिलेटेड में, ठीक है ना, तो हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम है। रिमोट के स्पेयर पार्ट्स चाहिए, उनके पट्टे चाहिए, उनसे रिलेटेड कुछ चाहिए, या कंसोल की ICs चाहिए, तो हमारे पास सारी हैं, तकरीबन अवेलेबल हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है ना, स्पेयर पार्ट्स का हमारा पूरा अपने पास पूरा काम हो जाएगा। भैया ये बता दो कि अगर पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो तो पता कैसे चलेगा कि पावर सप्लाई का ही प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ का प्रॉब्लम? कुछ सिंपल सिम्टम्स हैं, आपका सेट ऑन नहीं हो रहा, पावर सप्लाई गई हुई है। पहला तो पावर सप्लाई का काम होता है, आपका ब्लू लाइट से व्हाइट लाइट पे नहीं आ पाता। हाँ हाँ, ब्लू लाइट पे आपका ऑन हुआ और एकदम टक करके बंद हो गया, बंद, तो भी पावर सप्लाई है, उसमें बोर्ड भी हो सकता है। हाँ हाँ, वो डीलर से चेक करा सकते हो आप, या फिर खुद भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, मतलब या तो प्रेफरेंस आप क्या दोगे कि सीधा आपको कॉल किया जाए या अपने पास से कोई डीलर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके आसपास में डीलर नहीं होते हैं, तो वो क्या करें, डीलर के पास ही जाएं या सीधा आपके पास भेज सकते हैं? सीधा ही भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा ही भेज सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं। चलो, तो भैया एक और क्वेश्चन रह गया कि अगर किसी को ठीक कराना ही है तो वो भेजना चाहे तो कैसे भेजेगा, और मतलब डिलीवरी का क्या सिस्टम है? देखिए, आप एड्रेस डाल दीजिएगा, कूरियर के थ्रू भिजवा देंगे। हाँ हाँ, ठीक है ना, आने और जाने का खर्चा कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा। कस्टमर का होगा, वो कस्टमर का ही होगा, आप वो पार्सल भिजवाएंगे। देखिए, हमारा वैसा हिसाब किताब नहीं है, हमारा मेन डीलर्स का हिसाब किताब है। हाँ हाँ, डीलर्स तो हम कम मार्जिन पे काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, जो मोटे मार्जिन पे काम करते हैं वो आपका खर्चा भी बेयर करेंगे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन हम नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, पहले आपको बता दें। और अगर कोई पावर सप्लाई अगर भेजते हो तो कितना टाइम लग जाएगा, मतलब ठीक होने में? कि कोई बंदा घबराए ना कि भैया 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, तो मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है? हमारे यहाँ पे बस 1-2 दिन का ही टाइम लगता है, बाकी जो आने जाने का टाइम खर्चा होता है वो नहीं। मैं देख रहा हूँ ना, आपके पास बहुत जगह से आता ही है, इतने सारे तो पार्सल आते ही हैं। मेजर फॉल्ट ना हो तो हमारे यहाँ पे आधे घंटे के अंदर कोई भी पावर सप्लाई रिपेयर हो जाती है। हाँ, आधे घंटे मतलब हो जाएगा, मतलब लास्ट
अभी आपकी हमने जो आपने दी थी पावर सप्लाई, हाँ ये रही, ये आपकी रिपेयर हो गई है। कितनी देर लगी? हाँ मतलब 15 मिनट, हाँ बस इतनी ही देर लगती है। तो मेरे को ये जानना है, जैसे कि कोई बंदा भेजा है तो उसको पर मतलब ये होगा ना कि भाई कम से कम 2 दिन का टाइम दो, आप तो खोलोगे उसके बाद ठीक करने में तो भले 5 मिनट 10 मिनट लगता हो, लेकिन टाइम उसके पीछे भी होता है ना कि आप पहले से भी तो बिजी होते हो, इतना सारा काम रहता है आपके पास। देखिए अगर कोई बंदा स्पेशल आया तो पहले उसको प्रेफरेंस देंगे। अच्छा अच्छा ऐसा कुछ है। हाँ, अब जो जो आता है उसमें तो हम उनको बोल के चलते हैं 3-4 दिन लगेंगे, और काम भी पेंडिंग होते हैं। हाँ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, पेंडिंग काम रहते हैं। यहाँ तक थी हमारी वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आपको अगर कुछ पूछना हो तो कॉल कर लेना इस नंबर पे, भैया से डायरेक्ट आपसे बात हो जाएगी। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय।